दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो क्लाइंट हैं, हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करते हैं और उनका ये कंसर्न रहता है कि जो चाय है हम अगर मंडी पे जाएं तो उसको मतलब फ्रंट पे देख के उसको कैसे पहचाने, बिना टेस्टिंग के कैसे चाय को जज करें कि अच्छी क्वालिटी की है, ये परचेस किया जा सकता है। तो उसी बात को जानने के लिए हमारे सामने श्रीनिवास जी हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि कैसे चाय को सामने में जस्ट ऐसे लुक वाइज देखकर कैसे पहचाने, या मसल करें जैसे भी देखा जाता है चाय को फ्रंट में उसका अपीरियंस देखकर कैसे पहचाने कि चाय परचेस करने लायक है और चाय की क्वालिटी बढ़िया है। तो इस चीज़ को हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे व्यूअर हैं उनका एक कंसर्न जो है बन के आता है, ये बात रहती है कि देखिए जैसे कि आप अगर मंडी में कहीं जाते हैं, मंडी में जाके अगर आप वहां जानना चाहते हैं ये अच्छी क्वालिटी की चाय है, इसको हमें खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर आप जब मंडी में जाते हैं तो उनके पास हो सकता है कि टेस्टिंग इक्विपमेंट उस समय उस जगह फ्रंट में मौजूद नहीं हो, तो आपको नॉर्मल मैनुअल तरीके से चाय को पहचानना होगा। तो देखिए चाय को मैनुअल तरीके से पहचानने के लिए हम लोगों का हाथ का जरूरत होता, टच एंड फील, फिर आंख से देखना उसका अपीरियंस कैसा दिख रहा है, चमकदार है कैसा है, दाने को टच करके उसका सेफ कैसा है, ठीक है। उसके बाद आप इसको मुंह में डालते हैं तो क्रंची होना चाहिए, ठीक है। आप जब डालिएगा तो आप देखिएगा जैसे कुरकुरे या मुरमुरे आप डालते हैं, क्रंची होता है और उसमें जब हवा लग के वो नरम हो जाती है, तो वो नरम हो जाने से उसका रख रखाव अच्छा नहीं, वो चाय अच्छी नहीं। मतलब कोई कोई चाय बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाती है, जैसे लो रेंज वाली हम लोग के पास आती है चाय या हाई रेंज वाली, तो लो रेंज वाली जो बहुत ज़्यादा कड़ी लगती है, चुभती है जैसे मसलने से, तो क्या है ना पैरामीटर उसके, देखिए क्रंची का मतलब क्या, उसका फ्रेशनेस है, मतलब उसमें हवा लग के वो मॉइस्चर नहीं खा रही, ये पैरामीटर। मतलब बोलने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्रंची भी ना हो, क्रंची होने का मतलब कि उसका ये सही है, मतलब कि ये मतलब कि इसमें हवा मॉइस्चर नहीं लगा है। क्रंची का मतलब ये नहीं कि ये बहुत अच्छा है, मतलब ये फ्रेश है, मतलब कि हवा नहीं लगा, इसका रख रखाव अच्छा है। अब क्या होता है उसको सूंघना है, अब सूंघना ऐसे नॉर्मल अगर हम सूंघते हैं तो एक उसमें महक तो आएगा ही, ठीक है, लेकिन अच्छी चाय है तो वो ज़्यादा खुशबू, मतलब कि एक अच्छी खुशबू, मतलब ब्लूम है, वो आपको पता चलेगा कि ये खुशबू अच्छा है कि क्या है, ठीक है। और दूसरा है कि और उसमें आप हीट देख के देख सकते हैं, हीट माने हवा, जैसे आप चश्मे के वाइपर पे हवा देते हैं, आप भाप देके आप जिस जगह हवा दे रहे हैं वहां पर ही नोज ले जाएं पॉइंट पे, तो आपको। और दूसरा एक कुछ कुछ लोग ऐसे टेस्ट करते हैं, जैसे कि इस चाय को ऐसे मुट्ठी में लेते हैं, ठीक है, मुट्ठी में लेके और उसको जो है ऐसे करके इसमें ऐसे सूंघते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जैसे कि इसको फिर इसमें क्या है ना येल्लो, मतलब ऐसे जब करते हैं तो यहाँ पर एक येल्लो टाइप का आता है, ठीक है, हाँ, तो किसी में किसी में कम आता है, किसी में ज्यादा आता है, तो जिसमें ज्यादा आता है उससे हम लोग ये पता करते हैं कि इसमें लीकर ज्यादा है। और एक चीज है कि वेट करके, जैसे हम कोई चाय इस उसी परिमाण में ले रहे हैं एक, ठीक है, उसका वेट क्या है, जैसे दूसरी चाय, तो दूसरी चाय को लिया तो क्या है कि उतने ही क्वांटिटी में लेके हम लोग देखते हैं कि कौन सी चाय हल्की है या वजन है, तो जो भारी होती है उसमें लीकर ज्यादा होता है ऐसा, और जो हल्की होती है वो थोड़ा सा लो होता है। अब क्या है कि अगर आसाम की चाय है तो आसाम की चाय थोड़ा हल्की होती है, लेकिन उसमें भी दो पैरामीटर है, ठीक है, तो ये देख के ये सब हम लोग मैनुअली और उसको देख कर अपीरियंस देख कर कैसे समझें कि ये आसाम की है डुअर्स की। तो ये तो आप जो है जब ये उसका जो खुशबू है ना, खुशबू और अपीरियंस में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ब्राउन दिख रहा है तो टोटली जो है आसाम का ही होगा, या ब्लैक दिख रहा है तो टोटली डुअर्स, ब्लैक डुअर्स का पैटर्न है, लेकिन फर्स्ट प्लेस में जो है ब्लैक जो है आसाम में भी आता है, तो वो खुशबू से और उसके टेस्टिंग के पैरामीटर उसी से आप समझ सकते हैं कि ये आसाम है या डुअर्स। मतलब अंततः आपको टेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर आप कम क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं तो ये सब पैरामीटर है, आप उसको जो है जज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप बाई कर रहे हैं प्रॉपर एक बिजनेस में तो उसको आप लाए, सैंपल लाए, टेस्ट करें, उसके बाद ही बाई करें, क्योंकि 100% पूरा कंप्लीट जब तक आप टेस्टिंग नहीं करते हैं तब तक उस चाय को सेटिस्फेक्शन और लेना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना यही है कि चाय को आप प्रॉपर फुल टेस्टिंग करने के बाद ही बाय करें, आप मार्केट में जाके डायरेक्ट चाय लेके ये पैरामीटर से आप देख सकते हैं उसको कि चाय अच्छी है या कम गुणवत्ता की चाय होगी, कम महक होगा, फिर उसमें जो है उतना अच्छा ब्लूम नहीं आएगा,
अच्छी होगी तो अच्छा महक आएगा, पर वो अच्छे से डस्ट होगा ऐसे ये होगा तो इसमें एक येल्लोपन जो आएगा, और लो रेंज की चाय होगी तो उसमें नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जो अच्छी चाय होगी उसका खुद का एक महक होगी, खुद की एक ग्लूम होगी, आपको जैसे बताया सर ने, तो आप उस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए आपके हमारे जो व्यूअर्स हैं जो यूट्यूब में कमेंट करते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे हम लोग जज करें अगर हमें परचेस करना है साथ ही साथ, तो इस तरह से जज कर सकते हैं। तो आज का हमारा कंसर्न जो टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। आगे के लिए हम लोग फिर से दूसरी नई टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। तो ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।